फ्रेंड्स, नवीन शर्मा दिस साइड, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पास ना बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर ये एक्सरसाइज, किसी भी एक्सरसाइज को लेके, कि सर ये एक्सरसाइज क्या हम ठीक कर रहे हैं, अपना वीडियो भेज देंगे कि सर हमारा ये पोस्चर ठीक है, हम बाइसेप ऐसे कर रहे हैं लेकिन हमारा बाइसेप नहीं बन रहा, हम चेस्ट ऐसे कर रहे हैं लेकिन हमारा चेस्ट का मसल इंप्रूव नहीं हो रहा, तो सर हम क्या करें, अपनी एक्सरसाइज को किस तरीके से चेंज करें या क्या पोस्चर लेके आए जिससे कि हमारा मसल इंप्रूव अच्छा हो। दोस्तों, किसी भी एक्सरसाइज का मैं 2-3 मेन पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आप कोई भी एक्सरसाइज, जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, सभी का बेसिक रूल समझ जाएंगे। ये मेरा 20 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूं कि वो एक्सरसाइज आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। किसी भी एक्सरसाइज का पहला रूल, आप चाहे तो चेस्ट कर रहे हैं तब भी आपकी स्पाइन ऐसे रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, बेंच पे लेटे हुए फॉर्म में। आप शोल्डर कर रहे हैं तब भी आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। आप बाइसेप कर रहे हैं तब भी आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। पहला रूल ये है। दूसरा रूल, बहुत से बच्चे अपनी फॉर्म के चक्कर में ना, मेरे को अपनी फॉर्म अच्छी रखनी है, मैं मेरा पोस्चर गलत ना हो जाए नहीं तो मसल नहीं बनेगा, वो बहुत हल्का हल्का वेट उठाते हैं। ठीक है, बहुत हल्का हल्का वेट उठाएंगे, वो पोस्चर सही भी रखेंगे तो भी मसल हिट नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा ये सजेशन है कि ज्यादा फॉर्म के चक्कर में ना पड़ो। फॉर्म का बेसिक रूल ये है, आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो, जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, जो भी वर्कआउट कर रहे हो, उसमें ये ऐसे जर्क ना करो। आप नॉर्मल जो शुरू के 7-8 रेप है वो आप अपना स्ट्रेट फॉर्म में रखें, जितना स्ट्रिक्ट रख सके, और उसके बाद जो एंड के 2-3 रेप्स हैं उनमें अगर आप थोड़ा सा जर्क ले भी रहे हैं तो वो गलत नहीं है। उससे कहीं ना कहीं मसल को पंप ही मिलेगा, मसल में अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। तो दोस्तों, इन 2-3 बातों का आप ध्यान रखें। दूसरा, अपनी एक्सरसाइज में ये जरूर ध्यान रखें कि मैं चेस्ट कर रहा हूं तो चेस्ट ब्लास्ट होनी चाहिए, मैं बाइसेप कर रहा हूं तो बाइसेप ब्लास्ट होना चाहिए, शोल्डर कर रहा हूं तो शोल्डर ब्लास्ट होना चाहिए। वो काम ना करो कि हल्का हल्का वेट लेके आप अपनी बॉडी को तगड़ा करोगे, अपनी बॉडी में मसल बनाओगे। वेट अच्छा उठाओ, बस जर्क ना हो। जर्क नहीं होगा तो आपको इंजरी नहीं होगी, आपका पोस्चर स्ट्रेट होगा, स्पाइन ठीक होगी, तो बट नेचुरल है, वो आपके मसल पे ही हिट होगा। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। कोई और भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और स्टे कनेक्टेड। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स अ लॉट गाइस, वंदे मातरम, भारत माता की जय।